हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल लगाएंगे, सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सोडियम धातु केंद्रीय घनी जालक में क्रिस्टलित होता है। इसके कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं एससी होता है, इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे। एससी होता तो आर बराबर ए बाई टू होता, जब घनत्व निकाले थे तो उसमें ये बीच में फार्मूले आए थे। तो R बराबर A बाई टू होता है सरल घनी के लिए। अंतः केंद्रीय के लिए क्या होता है, BCC के लिए R बराबर अंडर रूट 3 A/4 होता है। FCC के लिए क्या होता है, R बराबर A/2 अंडर रूट 2 होता है। तो हम लोग क्या है, केंद्रीय घनी जालक है। क्या है, यानी अंतः केंद्रीय घनी जालक है, केंद्र में है। तो क्या है, BCC है। तो हम लोग क्या करेंगे, हल तो किस इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, अंडर रूट 3 A/4। और ये क्या दिया है, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई ए कितनी दी है, ए बराबर दी है 4.29 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 4.29 × 10^-10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10^-10 मीटर। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो अंडर रूट 3 ए कितना दिया है हमारा, 4.29 × 10^-4। अंडर रूट 3 की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट 3 कितना होता है, 1.732/4 ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट जब करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1.85 × 10^-10 मीटर। एक परमाणु की त्रिज्या 300 पिकोमीटर है। याद है यह FCC जालक में क्रिस्टलित होता है। तो इकाई सेल की लंबाई, इकाई सेल की लंबाई क्या है, ए। वन निकटतम परमाणुओं की दूरी डी ज्ञात करना है। तो पहले ए निकालने के लिए क्या करेंगे, FCC के लिए क्या होता है, त्रिज्या दी है, क्योंकि क्या है, हम चाहें तो इसको पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। और क्या है, ए अगर क्या है पिकोमीटर में रखना चाहें तो पिकोमीटर में ही रखें, तो हम पिकोमीटर में ही रखते हैं। तो क्या होता है, आर बराबर A/2 अंडर रूट 2। इसका जो तिरछा गुणा करें, हमें ए निकालना है, क्या निकालना है, पहले क्या है इकाई सेल की लंबाई। तो इकाई सेल की लंबाई ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 r। तो क्या हो जाएगा, 2√2 का मान कितना होता है, 1.414। r कितने पिकोमीटर है, 300 पिकोमीटर है। अब क्या है, 300 × 600 और गुणे 1.414 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाता है आंसर, कैलकुलेट जब करते हैं, 485.5 पिकोमीटर। तो क्या है, नंबर एक हमारा निकल गया, क्या निकल गया, इकाई सेल की लंबाई। अब निकटतम परमाणुओं की दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, निकटतम परमाणुओं की दूरी। तो निकटतम मान लिया परमाणु कोई ले लो तुम, मान लिया FCC है, तो क्या है निकटतम परमाणु कोई भी, बीच की दूरी क्या होती है डी। और जो इसमें भी ले लो तो इसमें क्या परमाणु, एक यहां होता है, एक यहां होता है, एक यहां होता है। तो दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, हम डी कहते हैं। दो निकटतम जो परमाणु होते हैं वो दूरी क्या होती है, डी होती है। जैसे मान लिया, यहां समझ में नहीं आया, ये मान लिया घन है, तो ये परमाणु, ये परमाणु, तो इसको क्या है, दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी डी होती है। जो मान लिया यही इसी में देख लो, तो क्या है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या है, डी। तो डी बराबर ये गोले जो यहां तक ये होता है, ये यहां तक होता है, ये यहां तक होता है, ये खाली दर्शाए जाते हैं छोटे छोटे। तो क्या है, डी बराबर कितने आर, एक आर अंदर होगा, एक आर बाहर होगा, तो डी बराबर कितने आर हो जाएंगे। तो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी को हम प्रकट करते हैं डी से, तो डी बराबर कितने आर, 2 आर। डी बराबर क्या होता है, 2 आर। तो क्या है, 2 × r कितना दिया है,
अभी रखे थे 300, तो ये आ गया 600 पिकोमीटर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एल्युमिनियम एफसीसी क्रिस्टल में क्रिस्टलित होता है, इसकी त्रिज्या 125 पीएम है। नंबर एक, यूनिट सेल के किनारे की लंबाई एक ज्ञात करना है। अब एल्युमिनियम के एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने सेल की संख्या कितनी होगी, एल्युमिनियम के एक सेंटीमीटर क्यूब में सेलों की संख्या कितनी होगी। तो क्या है हम लोग क्या है ए निकालने के लिए क्या लगाते हैं, क्या सब रिलेशन है, आर बराबर ए टू अंडर रूट टू, अगर ये एफसीसी है बीसीसी होता तो ये लगाते, तो क्या हो जाएगा आर बराबर ए टू अंडर रूट टू। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा टू अंडर रूट टू आर। तो टू गुड़े अंडर रूट दो का मान कितना होता है 1.414 होता है, और त्रिज्या कितनी है 125 पीएम है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये इसको क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, तो आ जाता है 353.5 पीएम। जिसको अगर हम सेंटीमीटर में अगर चेंज करें पीएम को तो क्या हो जाएगा 353.5 गुणे 10^-10 सेंटीमीटर। ये क्या गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गई हमारी भुजा की लंबाई। अब अगर आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन तो यही होता है। तो क्या है आयतन क्या हो जाएगा, ए की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, किसका क्यूब 535.5 गुणे 10^-10 का क्या कर देंगे अगर क्यूब करेंगे, तो यानी इसका बराबर क्या लिखेंगे 535.5 गुणे 535.5 गुणे 535.5 गुणे 10^, 10 गुणे 10^ गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3×10 लिखेंगे तो 10×30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10^ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका हम क्या है गुणाभाग जब करते हैं तो आता है 4.23 गुणे 10^23 आता, यह आता है 4.4 आता है, ये हमें जो इसका गुणाभाग किए तो आया 4.4 गुणे 10^ कितना आया 23 प्राप्त होता है, वो भी कहे का निगेटिव यानी माइनस का, इसका हम गुणाभाग करेंगे क्योंकि 30 माइनस है, जब गुणाभाग किए तो कितना आता है 4.4 गुणे 10^-23। ये कहे का इकाई सेल का क्या प्राप्त हुआ आयतन, क्या हुआ इकाई सेल का आयतन, तो ए की क्यूब यानी इकाई सेल का आयतन कितना मिला, इकाई सेल का आयतन, तो इकाई सेल का आयतन ये मिल गया। तो पहला हमारा ये था, क्या निकालना था ए निकालना था, पहला ए हम निकाल दिए, भुजा की लंबाई हमें प्राप्त हो गई, पहला आंसर हमारा ये हो गया। अब क्या है आयतन निकाले, क्योंकि हमें क्या निकालना है, तो आयतन कितना आया 4.4 गुणे 10^-23। अब क्या निकालते हैं एक सेंटीमीटर क्यूब में सेलों की संख्या, तो क्या होता है एक सेंटीमीटर क्यूब में सेलों की संख्या बराबर होता है, यानी क्या है ये क्या है परमाणु आयतन, क्या हो जाएगा परमाणुविक आयतन बटे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इकाई सेल का आयतन, परमाणुविक आयतन यानी परमाणु, तो एक में क्या है एक गुणे एक करो तो एक ही तो आएगा, तो परमाणुविक आयतन हमें कितना मिला एक। अब इकाई सेलों की संख्या कितनी 4.4 गुणे 10^-23। तो इसको क्या करेंगे हम क्या करेंगे 44 को एक से क्या कर लेंगे, इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें प्राप्त होता है 2.2 गुणे 10^22। कितना प्राप्त होता है 2.2 गुणे 10^22 सेल प्राप्त होती है। थैंक यू।